ये स्कूटी देख रहे हैं आप, कबाड़ जैसी दिख रही ये सैकड़ों स्कूटी एकदम नई है, लेकिन अब ये कबाड़ हो चुकी है। सरकार द्वारा इन सभी स्कूटी को खरीदा गया था, यानी आपके और हमारे टैक्स का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। स्कूटी की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा साल 2021-22 में मेधावी बेटियों को दी जाने वाली सैकड़ों स्कूटियां कबाड़ हो चुकी है। स्कूटियों के ढेर में अब झाड़ियां उग चुकी है, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। बताया जा रहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना और देव नारायण योजना के तहत स्कूटी देने की घोषणा की थी। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65% छात्राओं और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75% से ऊपर मार्क्स लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया था। इस योजना के तहत बांसवाड़ा जिले में पिछले 3 साल में करीब 500 से अधिक छात्राओं को स्कूटी वितरित की जा चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बाद से ही ये योजना प्रभावित हुई है। आचार संहिता में वित्त विभाग के द्वारा QR कोड जारी न करने की वजह से 65% से 75% मार्क्स लाने वाली छात्राओं को स्कूटी नहीं दी जा सकी। स्कूटी की सप्लाई करने वाली कंपनी ने सैकड़ों की संख्या में स्कूटी बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के महाविद्यालय पर भेज दी है। ये स्कूटी पिछले काफी समय से खड़े खड़े सड़ रही है, लेकिन सरकार का इन स्कूटियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। खुले आसमान में इन स्कूटियों की संख्या करीब 1690 बताई जा रही है, जिनकी कीमत लगभग 13.50 करोड़ रुपये है। मामले की जानकारी देते हुए हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की प्रधानाचार्या डॉक्टर सरला पांड्या ने बताया कि पिछले साल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान लगी आचार संहिता की वजह से वित्त विभाग द्वारा QR कोड जारी नहीं हुए थे, जिस वजह से छात्राओं को स्कूटी बांटने वाली योजना रुक गई। सरकार की स्वीकृति के बाद संबंधित छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। हमारा महाविद्यालय जिले का नोडल महाविद्यालय है, जिसमें कालीबाई भील स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरण का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत जो उनके दस्तावेज हैं वो जांच का कार्य करके हम लोग आयुक्तालय भेजते हैं और वहीं से स्वीकृति आती है उनके वितरण कार्य के लिए। तो अभी जनवरी 2021 से यह जो स्कूटी वितरण का कार्यक्रम है वह प्रारंभ किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन 2 चुनावों में जो आचार संहिता लगी थी उसके अंतर्गत यह कार्य बंद कर दिया गया था। और इसके बाद में अभी लोकसभा चुनाव के बाद में जो आचार संहिता के बाद में यह कार्य बंद था वह अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। वित्त विभाग के आदेश अभी दिए जाएंगे, तब जा कर के ही यह कार्य प्रारंभ हो सकेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि वित्त विभाग के आदेशों के अंतर्गत QR कोड जारी कर दिए जाएँ छात्राओं के लिए, तो जल्दी ही हम उसे शोरूम में भिजवा करके और यह जो स्कूटी वितरण का कार्य है वह समय पर प्रारंभ हो सकेगा। कोई ऐसी व्यवस्था की गई थी सरकार ने? हाँ, वो शोरूम वालों के पास में भी इतनी जगह नहीं थी, इस कारण से उन्हें पास के कॉलेजों में रखा गया है। लेकिन जैसे ही सरकार के द्वारा यह वितरण कार्य प्रारंभ होगा तो यह स्कूटियाँ छात्राओं को दे दी जाएगी और बाद में यह समस्या नहीं रहेगी। जी मैडम, आपका नाम? मैं डॉक्टर सरला पांड्या, कार्यवाहक प्राचार्य हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। जानकारी में सामने आया है कि एक तरफ 2 साल से पुरानी स्कूटियों को बांटा नहीं गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बांसवाड़ा के नोडल केंद्र श्री हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय ने साल 2023-2024 के लिए छात्राओं को स्कूटी देने के लिए आवेदन भी लेना शुरू कर दिया है। अभी तक 1368 छात्राएं आवेदन भी कर चुकी है।